कहाँ से आए हैं भाई? बोलिए क्या धंधा करते हैं? गुरुजी मेरा मेडिकल का काम है, होलसेल का। तो धंधा ऐसे चलता है एकदम, तो पूरा मतलब कि फास्ट अच्छी 6 महीने चलेगा, फिर एकदम से बिल्कुल जीरो डाउन पे आ जाता हूँ, फिर वो 1 महीने संभल के, फिर प्रॉपर 2-3 महीने लग के फिर वो शुरू होता दोबारा। मैं देख रहा हूँ कि आपके दुकान के पास में सीढ़ियाँ जा रही है। वो मैं देख रहा हूँ, तो वो जा भी रही है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड है वो, ठीक है। तो वो वास्तु का तकलीफ देता है, अच्छा। उसी कारण से आपको वो परेशानी आ रही है, क्योंकि बांग के पास वाला वास्तु आपको किसी प्रकार से उस एनर्जी को पूरी तरह आने से परेशान कर रहा है। तो एक वास्तु यंत्र नाम का एक यंत्र मिलता है, उसका नाम है वास्तु यंत्र। आप किसी मंदिर में जाते हैं? मंदिर वगैरह जाते हैं? हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। हाँ, तो कहीं भी अभिषेक होता हो उस समय उस जगह वो यंत्र देके अभिषेक करवा लीजिए, फिर अपने दुकान में लाके उसको रख लीजिए। उसके बाद आपके धंधे को कोई नहीं रोक सकता, बढ़िया से होगा। वो वास्तु प्रॉब्लम है, वो वास्तु के परेशानी से ये हो रहा है। जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव मेरा नाम रवि है, मेरी कोल्डर की फैक्ट्री है। गुरुदेव मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया बिजनेस था। 2013-14 के बाद गुरुदेव मेरी एकदम मैं डाउनफॉल पे आ गया, मेरा बिजनेस बिल्कुल एक तरह से बंद ही है। गुरुदेव देखो भाई, आप लोगों को बताता हूँ, आपकी जन्म कुंडली को सब लोग चेक करना, कौन कौन जन्म कुंडली रखे हुए हैं वो लोग चेक करना। अगर जन्म कुंडली में राहु और केतु इसके बीच में सभी ग्रह आए हों तो इसको सर्प योग कहते हैं। ये जिसके पास होता है वो सबसे होशियार होगा लेकिन सबसे परेशान होगा, ये भाई की बात कर रहा हूँ। ये वैसे उस गली में सबसे यूं समझदार होशियार माने जाएंगे लेकिन अपने काम में पीछे रहेंगे, इसका कारण है सर्प दोष। आप सर्प दोष का निवारण करेंगे तो जरूर उसका फायदा होगा भाई। गुरुदेव एक छोटी सी बात और, पहले कोई सर्प दोष का निवारण किया? नहीं गुरुदेव। तो वो कर सकते हैं, ठीक है। गुरुदेव एक मेरी फैक्ट्री के पास शमशान घाट है, बिल्कुल साथ में है, तो उसका थोड़ा सा मैं मचान घाट का कुछ नहीं है, उसको आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको तकलीफ फैक्ट्री के पास, तो वहाँ लगा हुआ ट्रांसफार्म जो है फैक्ट्री के सामने जो कॉर्नर में ट्रांसफार्म लगा है वो सीधा नॉर्थ की ओर लगा हुआ है, वो भी तो वो आपके वास्तु को बिगाड़ता। वो मैं बोलना नहीं चाहता था, बहुत सारा बोले तो कई लोग यूँ दिमाग में ऐसा आ जाता है कि भाई अरे हमारा ये खराब है, हमारा वो खराब है। तो मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि नेगेटिव बात ही नहीं करें, लेकिन आपने बोला मशान का, तब मैं ये बोला उल्टा मशान आपको फायदा करता है, क्योंकि उस मशान में जो देवता का स्थान बनाया हुआ है उसमें वहाँ के भूत सब बंधे हुए हैं, वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। एक वृक्ष के नीचे एक छोटा सा वो जो एक मशान में जो वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे छोटा सा जो स्थान बना हुआ है, वो स्थान के देवता उन भूतों को बांधे हुए हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। जय गुरुजी। आपको कोई परेशान नहीं आएगा, मशान से परेशानी नहीं है। वो ट्रांसफार्म जो है वो ईस्ट और नॉर्थ की साइड होने से वास्तु आपका साउथ वेस्ट की साइड कमजोर हो गया, तो फैक्ट्री में जो होना चाहिए वो काम नहीं होगा, नहीं हो रहा गुरुजी। वो वास्तु प्रॉब्लम है, ठीक है जी गुरुजी। चलो एक दो दूसरा काम भी करते हैं, एक दूसरा काम करते हैं। बोल बेटा, कहाँ से आए बेटा? जगराव से। जगराव, हाँ बोल बेटा। इसके साथ आया, तेरा भाई है? चुड़ियां का काम भाई है मेरा। तेरी भाषा मैं नहीं समझ पाऊंगा भाई। दुपट्टों का स्टोर है मेरा, कपड़े का काम है। हाँ बोल बेटा बोल। ओ ऐसे ही है सर, कभी कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है, ज्यादा चलता नहीं है। देख भाई मैं कुछ बोलूं गलत मत समझना, करेगा मैं जो बोलूं। जिससे भी सामान खरीदते हो प्रॉपर पेमेंट किया करो, अपने काम का पेमेंट प्रॉपर किया करो, क्योंकि कई लोगों के माल तुम्हारे पास आते हैं उसका पेमेंट बराबर पहुंचता नहीं है। तुम्हारा आदत है खींच खींच के देने का, जिस समय तुम अपना आदत सुधारोगे तुम्हारे लिए पुण्य भी सुधर जाएगा। यही दुख है, तुम अपने दुख खुद ही झेले हुए हो। ऐसा बोलना अच्छा नहीं है लेकिन अब क्या करें भाई, हम मुझसे पूछ लिया तो सब बोलना पड़ेगा।